दोस्तों, क्या आप फेसबुक यूज करते हैं? अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक मैसेंजर के कई ऐसे फीचर के बारे में जिसके बारे में आप डेफिनेटली नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मैं 10% की बात नहीं करता, फिर भी आज भी इस टाइम पर भी 90% लोग ऐसे हैं जो फेसबुक मैसेंजर के पूरे फीचर के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला फीचर है कि आप फेसबुक मैसेंजर को बगैर फेसबुक आईडी के कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो दो ऑप्शन आपको देगा। नीचे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, आई डोंट हैव अ फेसबुक अकाउंट, कंटिन्यू करिए। यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना होगा जिस नंबर से आप चलाना चाहते हैं। नंबर डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू कर दीजिएगा। जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जब आप टाइप कर देंगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप अपना नंबर डाल करके और इसे कंटिन्यू करके इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों, आप अगर फेसबुक मैसेंजर पे अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करते हैं या किसी और से चैट करते हैं जिससे आप नाम शेयर नहीं करना चाहते किसी और के साथ, तो आप यहां से किसी का भी अपना निकनेम बदल सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पर आपका निकनेम का, सेट निकनेम में आकर के उसका नाम बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अमन मंसूरी की जगह पर कर देता हूँ करिश्मा। दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपना नाम बदल सकता हूँ, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए यहाँ पर अमन मंसूरी की जगह पे देखिए यहाँ पे करिश्मा हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी का नाम बदल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप किससे चैट कर रहे हैं फेसबुक मैसेंजर पर। अब दोस्तों, तीसरा हमारा फीचर है कि आप फेसबुक मैसेंजर पे गेम भी खेल सकते हैं और अपना बोरिंग टाइम को इन्जॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन गेम मिलते हैं। सबसे पहला गेम आपको दिख रहा होगा, एक पीले कलर में एक आपको बॉल दिख रही होगी, इसे आप सेंड कीजिए और सेंड करने के बाद इस पर दो बार टैप कीजिए, और जब आप टैप कर देंगे तो आपको एक ये गेम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसे इन्जॉय कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दोस्तों, दूसरा गेम देखिए, यहाँ पे आपको एक फुटबॉल वाली बॉल दिख रही होगी, इसे आप जब आप सेंड करेंगे दो बार टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे फुटबॉल गेम मिल जाता है। क्योंकि मुझे फुटबॉल गेम में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जानता इसे कैसे खेला जाता है, तो आप इसे अपने हिसाब से खेल सकते हैं। अब आते हैं तीसरे गेम पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप फेसबुक मैसेंजर में चेस भी खेल सकते हैं ऑनलाइन? आपका फ्रेंड कहीं पर भी है, किसी भी सिटी में, आप किसी और सिटी में, तो इस फेसबुक मैसेंजर से आप ऑनलाइन चेस भी खेल सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको क्या करना होगा, @FBChessPlay आपको सेंड करना होगा और ऑटोमेटिकली आपका एक चेस ओपन हो जाएगा और आप इसे बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चेस के बारे में नॉलेज नहीं, इसे आपको कैसे खेलना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको एक मैसेज टाइप करना होगा। राइट अ मैसेज में जाकर के आपको आपको लिखना होगा @FBChess_help, इसे आप सेंड कर दीजिए और आपको पूरी की पूरी कन्वर्सेशन मिल जाएगी। इसमें बता दिया गया कि आप कैसे चेस खेल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरे फीचर पे इसके। दोस्तों, अगर आप किसी से पर्सनल चैट करते हो और आप नहीं चाहते कि आपकी कन्वर्सेशन कोई और देखे, तो ये ट्रिक आपके बहुत ही काम की हो सकती है। फेसबुक मैसेंजर में आपको एक ऐसा फीचर मिल जाता है कि जिसकी मदद से आपको बगैर मैसेज डिलीट किए ही आपके सारे मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो चलिए उसे देख लेते हैं आपको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको मिल रहा है एक फीचर सीक्रेट कन्वर्सेशन, इसे आप ऑन कर दीजिए। जब आप दोस्तों इसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको साइड में एक घड़ी का एक सैम्पल दिख रहा होगा, ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे आपका टाइम पूछेगा कि आप कितने टाइम के लिए इसे डिलीट करना चाहते हैं, कि कितने टाइम के बाद आपका भेजा हुआ मैसेज डिलीट हो जाए, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो यहाँ पर आप सेट कर देंगे, जब आप मैसेज करेंगे तो उतने टाइम के बाद ये मैसेज ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देखिए आपका टाइम चल रहा है और ये ऑटोमेटिकली उतनी देर के बाद ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फीचर आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है अगर आप किसी से पर्सनल चैट करते हैं। दोस्तों, क्या आपके कई फेसबुक अकाउंट, अगर आपको एक यूज़ करना है तो दूसरा आपको बंद करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों इस ट्रिक की मदद से यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देता है स्विच अकाउंट का, इसके मदद से आप एक साथ कई अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके एक साथ कई अकाउंट ऐड कर सकते हैं और एक के बाद आप दूसरा आराम से यूज़ कर सकते हैं बगैर लॉगआउट किए। दोस्तों, क्या आप किसी के मैसेज से बहुत परेशान हैं? तो यहाँ पे एक फीचर मिल जाता है आपको नोटिफिकेशन म्यूट करने का, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप किसी के भी कन्वर्सेशन को म्यूट कर सकते हैं कि अगर वो मैसेज भेजेगा तो आप उसे कितनी देर के लिए म्यूट करना चाहते हैं, 24 घंटे, 8 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट, या फिर जब तक आप करना चाहें। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है उस कंडीशन में जब आप किसी के मैसेज से बहुत परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, अगला फीचर हमारा लोकेशन का, कि आप किसी को लोकेशन कैसे शेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए आपको एक 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन नाम का एक सैम्पल मिलता है, इस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली जहाँ पर इस समय आप करंट टाइम मौजूद होंगे आपका वो लोकेशन यहाँ पे शो कर देगा और आपके आसपास के फेमस इलाके भी शो कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा शो कर रहा है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये मेरे नियर बाई, मेरे पास में ही घर के।
तो अगर मैं चाहूँ तो मैं नियर बाई आसपास की भी लोकेशन को सेंड कर सकता हूँ, और ये करंट लोकेशन पर क्लिक करके मैं करंट लोकेशन को भी सेंड कर सकता हूँ और किसी को भी अपनी लोकेशन फेसबुक मैसेंजर से आराम से भेज सकता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरी करंट लोकेशन सेंड हो गई है। तो दोस्तों अब आते हैं अगले फीचर पर जिसका नाम है किसी को आप बगैर उसके फेसबुक मैसेंजर के फेसबुक आईडी के आप किसी को नॉर्मली मोबाइल नंबर से आप कैसे ऐड कर सकते हैं फ़ोन नंबर से। यहाँ पर दोस्तों आपको आना होगा, यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको एक आइकन शो हो रहा है यहाँ पर ऐड का, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर डालिए और ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दीजिए और आपका वो बंदा आपके फेसबुक मैसेंजर में ऐड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह से आप बहुत आसानी से सारी ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको कल एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।